सोए धूप में निकल गया है और हमने कल रात को सोए कितने बजे पता है आपको? 1 बजे का करीब सोए हैं, तो आज सुबह ही सोए हैं और 1 बजे का करीब इसीलिए सोए हैं क्योंकि वीडियो एडिट करना था और है ना बच्चे लोगों को पढ़ाना लिखाना, उसके बाद खाना बनाना, फिर नाइट का काम खत्म करके फिर से सोना। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे सोने में, तो सुबह में 6:15 में उठ गए हैं। तो उठ जाने के बाद में है ना बाहर गए थे, बाहर बकरी वगैरह सब खोले हैं, बकरी को भगा के आए हैं बाजार तरफ, तो बकरी है ना बार बार घर पर ही आ जाता है, तो इसलिए उसको बाजार तरफ भगा के आए हैं। और आने के बाद जो है अब इसे ब्लॉग को स्टार्ट किया, तो सोचते रहे पहले मुँह धो लेते हैं क्योंकि है ना पता नहीं रात को देरी करके जो है उठे सुबह जल्दी, तो इसलिए है ना आप है ना देख के पुला की रगा लग रहा है सो रहे हैं सो जाए सो लग रहा है। है दोस्तों क्या है ना आज सुबह देखी है ना और उठ के उठते साथ ही है ना आज मुंह धोने लगे। क्यों पता है मुंह धोने लगे हैं? क्योंकि है ना आज बोले है ना मूड बहुत अफ है क्योंकि नींद पूरा नहीं हुआ और लग रहे हम खड़े खड़े सो जाएंगे, काम नहीं हो पाएगा हमसे, तो इसलिए है ना पहले मुंह को पूरा अच्छे से फ्रेश कर लेते हैं क्योंकि है ना मन ठीक रहेगा तब तो ब्लॉग वगैरह कर पाएंगे ना, नहीं तो कैमरा वमेरा पकड़ना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो इसलिए है ना सोचे रहे हैं पूरा अच्छे से मुँह को क्लीन कर लेते हैं और थोड़ा चाय पी लेंगे। क्यों पता है मेरे सुनो कब्बू बोल रहे थे कि थोड़ा चाय बनाने के लिए, तो इधर से है ना बिछाना वगैरह सब छोड़ दिए हैं, पहले यहाँ पे साफ कर लेते हैं, साफ के रात को ना सब कुछ साफ करके ही सोते हैं, फिर भी है ना सुबह उठ के ना बासी चुल्ली है ना, तो इसलिए है ना थोड़ा सा पोछा लगा लेंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए है ना शुरू हो गए हैं आज सुबह पर जो ड्यूटी अभी से स्टार्ट कर दिए हैं और आप सभी से ना बहुत सारा बातें करना बाकी है अभी क्योंकि है ना मेरे यूट्यूब फैमिली से हम बहुत प्यार करते हैं और आप सभी को बताते ही है कि मेरे यूट्यूब फैमिली से ना इतना प्यार करते हैं कि हमेशा हम रहना चाहते हैं सबके साथ में, बातचीत दुख सुख सब से बांटना चाहते हैं। तो मेरी ये फैमिली है ना हमेशा हम चाहेंगे कि अपना दिल पे रखने के लिए क्योंकि हमेशा हमेशा ही हम रखना चाहते हैं, क्योंकि बस आप थोड़ा मुझे सपोर्ट दे दीजिए और ताकि है ना हमेशा आप सभी से बातें करना सब कुछ कर पाए। तो इधर देखिए बातें करते करते उधर चाय चढ़ा दिए और ये जो है ना बासी चाय रात का था तो लाल चाय वगैरह है ना सेल नहीं होता है मेरा घर में, तो इसलिए देखिए आप जा रहे हैं मेरे सोनू को दे देते हैं, इसको अभी भगा के आए थे, सब बकरी को बाजार में भगा के आए थे फिर ये रिटर्न आ गया है क्योंकि इसको सुबह सुबह खाना आज नहीं मिला, तो इसलिए है ना तो इसको पहले खिला दिए और खिलाने के बाद ये अपना खाने के बाद अपने आप चली जाएगी। और जो है ना चाय बनाए हैं और चाय बातें करते करते तो चाय कम्प्लीट और है ना थोड़ा बिस्किट चाय मतलब पी लेंगे क्योंकि है ना बिस्किट बाबू लोग का ले लाते हैं, हम लोग बिस्किट बहुत कम खाते हैं तो बच्चे लोगों के कारण हमें लाना पड़ता है। और जो है ना पहले दूध भी लेते थे अभी दूध बंद हो गया क्योंकि दूध वाला का गाय है ना बच्चा पता नहीं अभी दूध नहीं हो रहा है तो इसीलिए दूध बंद हो गया है। तो क्या है ना मेरे सोनू काबू तो अभी सोए ही हुए हैं और चाय लेके हम हाजिर, मेरे सोनू काबू को उठा ही रहे उठिए उठिए मेरा बात को तो वैल्यू ही नहीं देते क्योंकि है ना इनको हमेशा ही मोबाइल पसंद है, तो इसलिए है ना चाय अगर कोई भी चीज़ गरम गरम लेके देंगे ना नहीं उसको ठंडा पानी कर देंगे उसके बाद ही पियेंगे, तो इनको है ना ठंडा चाय पसंद है गरम चाय पसंद नहीं है। और मुझे भी जब जब गरम चाय पीते हैं ना तब तब जीभ मेरा ख़राब हो जाता है जल जाता है। तो है ना मेरे सोनू है ना चुटकी
छोटे वाले बाबू आज सुबह से रट लगाए हैं, मम्मी रात को मोमो बना दीजिएगा, मम्मी रात को मोमो बना दीजिएगा। तो है ना, आज दोपहर का जो काम है तो दोपहर का काम कर लेते हैं। क्या है ना, भिंडी का भुजिया बना दिए हैं, और है ना ये देखिए आज थोड़ा निरामिष सब्जी बनाएंगे। इसमें बहुत सारा सब्जी है, और गाछ का पोई साग देखे तुल के लाए, इतना ताज़ा है, देख के ही एकदम मन में खुशी हो रहा है। और जो है ना निरामिष सब्जी बनाएंगे, क्योंकि आज बहुत सारा सब सब्जी मिला के सोच रहे हैं थोड़ा सब्जी बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से ना भेज खाना नहीं खाए एकदम, मतलब प्याज लहसुन का बगैर ऐसा खाना ज़्यादा पसंद पड़ता है हमको। इसमें थोड़ा तेल वगैरह थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्राई करना पड़ता है इसीलिए। तो है ना, फिर भी बहुत पसंद है, मेरे सोनू बाबू भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या है ना, आज का रेसिपी यही होगा। और जो है ना मेरे सोनू बाबू है ना, मतलब रात को ही मेरे छोटी वाली बाबू चिकन बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो इसीलिए रात को ही बोले पापा हम चिकन ला दीजिए। तो उसके खातिर अभी खाना हम चढ़ा दिए हैं, और उसके बाद देखिए चिकन लेके आए हैं, तो चिकन को हम फ्रिज में डाल दिए हैं, तो सोच रहे हैं रात को बनाएंगे। तो क्या है ना, बातें करते करते तो मेरा लगभग काम हो ही जा रहा है, क्योंकि है ना सबसे बड़ा खाना बनाना, टाइम टू टाइम हमको खाना नहीं बनेगा ना, तो मेरा अगर टाइम टू टाइम खाना नहीं मिलता ना तो बहुत गुस्सा आ जाता है। इसलिए हम ना सबसे पहले हम खाना बना लेते हैं, क्योंकि है ना खाना अगर पेट में नहीं रहता है ना मेरा तो एकदम गुस्सा ज़्यादा आता है, तो इसलिए सबसे पहले हम खाना बना लेते हैं। और जो है ना मेरा खाना बन जाता है उसके बाद हम टेंशन खत्म, क्योंकि घर का काम है ना होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन खाना बनने में टाइम लगता है। तो इसीलिए है ना ये मसाला पीस रहे हैं थोड़ा निरामिष सब्जी बनाने के लिए। और जो है मेरा वीडियो कौन कौन कहाँ से देखते हैं पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेरा जो यूट्यूब फैमिली है मुझे लाइव में जब भी आते हैं तो कमेंट करते हैं, ये दीदी आप मेरे परिवार में आइए। तो देखिए आप सभी से ही बोलना चाहते हैं ज़रूर आएंगे, प्लीज़ आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट दीजिए, ताकि मेरा इतना हिम्मत हो हम सबका घर पहुँच पाए, या मेरे घर पर सबको बुला पाए। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को थोड़ा मेरे साथ देना होगा, मुझे थोड़ा सपोर्ट और प्यार दीजिएगा, ताकि है ना हम सब की तरह आगे बढ़ें। और मेरे जो एक हिंदी के बेटी हैं तो इसके लिए है ना कुछ कर पाए, क्योंकि मेरे पति का इनकम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, फिर भी हम खुश हैं मेरा फैमिली में, क्योंकि है ना हम मिडिल क्लास फैमिली का बहू होके भी बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। और जो मेरा पति है ना, लगता है कि मुझे लाखों में किस्मत से मेरे पति मुझे मिले हैं, क्योंकि इतना प्यार करते हैं और बच्चे सबसे इतना केयर करते हैं, शायद से हमेशा आसपास में हम देखते हैं बहुत को कि ऐसा नहीं रहता है, मतलब आदमी का चलन से भी पता चलता है कौन कैसा है, लेकिन ना मेरा पति है ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चे से भी बहुत प्यार करते हैं। और इसी लिए हम ना मेरे पति का कम इनकम में भी हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि हम लोग बांट के खाना सीखे हैं। और जो है ना इनका मुंह देख के मेरे दिन का शुरुआत होता है, इनका मुंह से ही खत्म। चलो उधर जाओ तो देखिए देखिए, अरे ले 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 ले, कौन पहना दिया? अरे सोना मेरे लाडो, बाप रे पीछे घूमिए तो देखिए, जा खुल जा रहे तो आहा, अच्छे से पहना दे शाइन। देखिए बातें करते करते बहुत सारा सब्जी बनाए थे, अम्मी को देके आए दो बार सब्जी, और सब्जी हम लोग भी खा लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा करके खा लिए हैं। और जो है देखिए इतना सब बच गया रात का लिए, सोच रहे हैं फिर मीट है। तो देखिए यहाँ बातें करते करते शाम हो गया है, और जी देखिए मोमो बनाए हैं, और बाबू लोग का लिए तो एक ट्रे निकल गया है, ख़त्म हो चुका है, और है ना तो ये भी दूसरी वाला बन रहा है। और जो है देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो है ना मतलब खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ,
आज मेरे सोनू का बर्थडे करके आए हैं। तो क्या है ना दोस्तों, मेरा आज मोमोज रेसिपी भी बन हो गया तैयार, बहुत रात भी हो चुका है। तो आज का ना छोटा सा एक वीडियो है मेरा, यहीं तक है, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी खुशी रहिए, और है ना हम लोग भी खा रहे हैं मोमो, किसको किसको खाना है ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।